जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे अभी मैं बेंगलोर पैलेस पे हूँ बाहर में, क्योंकि अंदर में मतलब रिकॉर्डिंग करने के लिए अलाउ नहीं करते, तो मतलब अंदर का अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। सर मैं बहुत सोच के आया था, मतलब अभी बहुत सोच के आया था सर आज अंदर का मतलब आप लोग को दिखाऊंगा थोड़ा रिकॉर्डिंग करके, बल्कि लेकिन मतलब अंदर में रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। अब देख सकते पीछे बेंगलोर पैलेस है तो बाहर से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, क्या कर सकते मैं, बैड लक। आप लोग नहीं देखा सकते अंदर का व्यू क्योंकि मतलब अंदर में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, मतलब धूप भी ज़्यादा हो रहा है, मतलब इधर छाव पे रह के रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। ऐसे देख सकते हैं आप वो पीछे जो दिख रहा है वो बेंगलोर पैलेस है, बाहर से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अंदर में नहीं कर सकते। अंदर में करते हुए पकड़ लेते आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी बड़ा वाला लग सकता है, तो वही अभी छोड़ो क्या कर सकते हैं, नहीं हो रहा। पहले जब आया था मैं एक साल पहले रिकॉर्डिंग मैंने अलाउड था, मतलब कितना 600 कितना देने के बाद आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन अभी मतलब रिकॉर्डिंग मतलब बंद कर दिया, मतलब फोटो वोटो भी अंदर से कुछ नहीं निकल सकते हो, अंदर में कुछ मतलब चीज़ भी टॉप नहीं कर सकते, बाहर से देखना होता है। अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया रोल, अभी क्या कर सकते हैं, चले आप लोग को दिखा नहीं पाऊँगा अंदर का व्यू, अभी जितना हो सकता बाहर में दिखाऊँगा। चलिए आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। ये है बेंगलोर पैलेस, देख आप लोग देख पा रहे होंगे, बाहर से दिखा रहा हूँ आप लोग को, अंदर तो नहीं, अंदर तो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, बैड लक भाई। आप लोग नहीं देख पाए अंदर का, ज़रा बहुत सोच के आया था साला घर से, मैं बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग करूँगा, मतलब पूरा आप लोग को दिखाऊँगा, बल्कि अब क्या कर सकते हैं। देखिए ये रहा बेंगलोर पैलेस, बाहर से ऐसा कुछ दिखता है भाई, बहुत ख़तरनाक बिल्डिंग है, अंदर में देखोगे तो दिमाग हल जाएगा, लेकिन मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं देखा पाएंगे आपको आप लोग को। ये सामने का गार्डन है, ये पहले के ज़माने कुछ है, मतलब इन लोग का पता नहीं क्या है, देख पा रहे होंगे ये सामने गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है, इधर घूम सकते हो आप लोग थोड़ा। इधर भी एक है, इधर कुछ मतलब होगा शायद, इधर शादी वादी भी करा सकते हैं, शादी वादी भी होता है, लेकिन बहुत मतलब शादी है कि शायद इसके लिए यहाँ पे शादी के लिए कुछ स्टेज बना रहे हैं, शायद कोई मलदर बाटी रहेगा साला, यहाँ पे शादी करने के लिए तो बहुत ज़्यादा खर्चा है भाई, करोड़ों में जाता होगा। ये पैलेस के सामने का गार्डन आप लोग देख पा रहे होंगे, तो मन में ज़्यादा मतलब देख लो यदि आप बेंगलोर पैलेस घूमने के लिए आना चाहते हो आ सकते हो, अच्छी जगह है। अच्छी जगह मतलब वही है कि राजा इस टाइम क्या शौक रखते थे, और राजा मतलब इस टाइम जमाने में क्या क्या चीज़ यूज कर रहे थे, कि राजा मतलब क्या क्या चीज़ यूज कर रहे थे, और सब चीज़ रखा हुआ आप देख सकते हो, प्लेट से लेके कपड़ा से लेके मतलब फर्नीचर से लेके, वो अभी बहुत सारा चीज़ है तो मेरे को नाम पता नहीं बता सकता आप लोग को, आप आने के बाद ही देख सकते हो। इधर मतलब अच्छी जगह है, मतलब ऐसे आपका 2-3 घंटा ऐसे निकल जाएगा। यदि आप हिस्ट्री जानने में रुचि रखते हो ज़रूर आपको एक बार बेंगलोर पैलेस घूमने के लिए आना चाहिए, क्योंकि इधर आने के बाद आपको बहुत सारी हिस्ट्री पता चलेगी, मतलब इस टाइम राजा क्या करते थे, मतलब क्या खा रहे थे, मतलब कैसे करते थे, मतलब क्या क्या चीज़, ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो मैं आपको नहीं बता सकता, आपको पता लगेगा। यदि आप मतलब हिस्ट्री मतलब जानने में इंटरेस्टेड हो तो आपको जरूर एक बार बेंगलोर पैलेस विजिट करना चाहिए। मैं आप लोग को बताता हूँ बेंगलोर पैलेस में एंट्री करने के लिए कितने रुपये का टिकट लगता है। ऐसे तो बेंगलोर पैलेस में एंट्री करने के लिए पर पर्सन का 240 लगता है,
मतलब और यदि आप मतलब अंदर में गाइड चाहते हो, मतलब कोई आपको गाइड करे, तो ऐसे तो आदमी कोई गाइड करने के लिए आदमी नहीं है। और गाइड करने के लिए आपको मतलब स्पीकर और ब्लूटूथ मिलता है, वो 30 रुपीज़ का देना पड़ता है। और 30 रुपीज़ देने पर आपको ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाता है, और मतलब आप खुद ब खुद अपने गाइड कर सकते हो। मतलब गाइड कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। मतलब क्या है कि जगह के हिसाब से नंबर दिया रहता है, और नंबर दबाने पर वो जगह के बारे में क्या क्या चीज़ें हो, क्या क्या हिस्ट्री सब बताया जाता है। तो आप ऐसे खुद गाइड कर सकते हो, ठीक है ना। यदि कोई आते हो तो मतलब आपको ज़रूर मतलब गाइड मतलब गाइड लेना चाहिए, नहीं तो आप जगह के बारे में कुछ नहीं जान सकते, सामान के बारे में नहीं जान सकते हो। अब इसे देखने से क्या पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा ना। जरूर यदि आप बेंगलोर प्लेस विजिट करते हो, जरूर आपको मतलब गाइड लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा घूम लिया, मतलब इतना घूम लिया कि पैर में दर्द कर रहा है, आप लोग सोच सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा घूम लिया, ऐसे ही मतलब क्या कि अभी 4-5 दिन से मतलब कहीं मतलब निकल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि बेंगलोर में बारिश चल रहा था बहुत ज़्यादा। अभी 4-5 दिन से कंटिन्यूसली बारिश चल रहा था, ऐसे मतलब 2-3 दिन तो रूम से निकला ही नहीं। मतलब इस हाल था, मतलब क्योंकि मतलब मुंबई से आने के बाद इधर मतलब फीवर हो गया था बहुत डेंजर वाला, इस वजह से मैं डर गया था साला। अभी इतना बारिश हो रहा था, मतलब ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रहा था, लेकिन मतलब ऐसे हो रहा था कि मतलब कंटिन्यूसली हो रहा था। तो इस वजह से मैं घर से नहीं निकल मतलब रूम से नहीं निकल पा रहा था। अभी रुका है 4-5 दिन बारिश ऐसे हो रहा था, बारिश रुक गया तो थोड़ा चलो इतना दिन हो गया कि ब्लॉग भी नहीं बनाया था, किधर घुमा भी नहीं था, तो ये सोच की थोड़ा इधर आ गया आज बेंगलोर प्लेस में घूमने के लिए। इधर आने के बाद ही मतलब रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया ना, वही थोड़ा मन में दुख रख गया। अभी क्या कर सकता हूँ, अभी क्या, अभी मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है भाई लोग ना, अभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अभी क्या कर सकता हूँ। अभी मैं रैपिडो बुक किया हूँ घर जाने के लिए, लेकिन वो बाइक वाला मतलब रैपिड बाइक वाला अंदर आने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि भाई इधर मतलब ऑटो वाला है ना तो झगड़ा करते हैं, मतलब इनको पीटते हैं, मतलब क्योंकि हमारा पैसेंजर के मिल लेके जा रहा है, ऐसे बोल के झगड़ा करें, तो उधर अंदर आने के लिए मना कर रहा है। मतलब अभी गेट के बाहर आने के लिए बोल रहा है, लेकिन अभी मैं बाहर आ रहा हूँ, मतलब 1 किलोमीटर के आसपास होगा साला बाहर आने के लिए मेन गेट को। अभी पैदल जा रहा हूँ साला, पैर में भी दुख रहा है। मतलब अभी आने के टाइम तो इधर अंदर आके छोड़ के गया था, अभी इधर लेने के टाइम मतलब मना कर रहा है, मतलब बाहर आने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ऑटो वाला इधर झगड़ा करते हैं बोल रहा है, मतलब मारते पीटते हैं बोल रहा है, क्योंकि हमारा पैसेंजर क्यों लेके जा रहा है ऐसे ऐसे बोल के। तो अभी वो क्या कर सकते हैं, अभी तो मनाने के लिए मना कर रहा है, तो मेरे को बाहर आना पड़ेगा ना। इधर पूछने से भी ऐसा ही होता है, मतलब कोई भी इधर कोई भी नहीं, रैपिडो वाला तो ऐसे भी नहीं देखने के लिए कोई भी नहीं आ रहा, ऐसे में देखा हूँ तो ठीक है, अभी मतलब बाहर ही आना पड़ेगा। अभी क्या कर सकता हूँ, सपोर्ट करो यार। यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, मेरे को वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा। यदि आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहूँगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई लोग। थोड़ा सपोर्ट करो, दबा के करो। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। बेल आइकन को दबाए रखना, जब भी मेरा इस चैनल पे न्यू अपडेट आए आप लोग तो पहले पहुंच सके, आप लोग पहले देख सको, ठीक है ना दोस्तों। बस आप लोग हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में कुछ रखा नहीं है दोस्तों, जिंदगी आज है कल खत्म हो जाएगा, बस आप लोग हमेशा खुश रहा करिए। धन्यवाद।